हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम एक नेकलाइन बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर बनता है और पाइपिंग के साथ ये बनेगा। तो ये जो बुकरम है गला बनाने के लिए हमने चौड़ी ली है, इसकी चौड़ाई हमने 8 इंच के करीब ली है। आप 7.5 और 8 इंच के बीच में इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लगा लेंगे। मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच लगाई है और गले की डीपनेस हम लगा लेते हैं 7.5 इंच। ये लीजिए, गले की लंबाई 7.5 लगा ली है। यहाँ पे भी हम 3 इंच का निशान लगाएंगे और इसे कर देंगे सीधा इस तरह, ठीक है। अब हमने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से जो ये 7.5 इंच का निशान था, यहाँ से 2.5 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया है, ये देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे 1/4 इंच का निशान लगाएंगे बीच में, बिल्कुल सेंटर में। जैसे ये 2.5 है तो 1/4 इंच के बाद हमने 1/4 इंच का निशान इधर लगाना है और इसे हम थोड़ा सा की होल बना देंगे एक इस तरह। ये की होल बन गया है और यहां से अब गले के ऊपर की गोलाई दे देंगे। ये लीजिए, यहाँ पे ये पट्टी चलेगी गले की और यहाँ पे भी ये गोलाई चलेगी, ठीक है। अब हमने इसकी नीचे की पट्टी रखनी है। पट्टी हम रख लेंगे यहां से 8 इंच के करीब। ये लीजिए, मैंने 8 इंच रख लिया है और यहाँ पे 1 इंच की बुकरम चलाएंगे। ये लीजिए, ये हमने 1 इंच की बुकरम इसके साथ साथ चला ली है। अब ये 8 इंच है तो यहाँ पे 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा नीचे लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो गले की लंबाई है आप कम या ज्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने 7.5 रखी है, आप 6, 5, 4 जो भी मतलब आप गले की लंबाई रखना चाहते हो वो रख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कम नहीं करनी है, आप कम कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट की कटिंग करते हैं, थोड़ी सी कटिंग करनी है बिल्कुल एक पॉइंट की, और ये कटिंग ऊपर तक लेके जानी है आपने की होल तक। ये लीजिए, यहाँ पे लेके आए हैं तो अब हम इस की होल को भी कट कर देंगे। ये लीजिए, अब हम गले की गोलाई भी कट कर देते हैं। लीजिए, सभी चीजें यहां से हटा दी मैंने और गले की अब जो कटिंग हुई है वो इस तरह आई है। ये गले की कटिंग अब आ गई है। अब इसे हम किसी कपड़े के ऊपर जोड़ लेते हैं जो आपने नीचे लगाना है मैचिंग में। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसके साइड में नीचे कपड़ा लगा दिया है और दिया है साइडों से। अब इसका सेंटर का निशान मैंने लगा लिया है। शर्ट का भी सेंटर का निशान लगा लेना है आपने। इसे इसके ऊपर रख के स्टिच करेंगे। मैंने ये काम इसलिए वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि ये नॉर्मल है, सबको पता है कैसे फोल्ड करना है। और ये जो बीच का डिस्टेंस है हमारा 6 इंच का है तो इसे पहले ऊपर से स्टिच कर लेते हैं। मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो सब लोग बोलते हैं कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें, ज्यादा टाइम दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इस तरह हमने सेंटर का पहले एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो सेंटर का निशान लगाया हुआ है इसको बिल्कुल बीच में रखना है आपने। अब हम यहां से धागा कट कर देंगे। अब किसी भी एक साइड से इस गले को सिलना शुरू करते हैं। शेप के अकॉर्डिंग हम सिल लेंगे इसको। अब सिलाई लगाने के बाद हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो बीच में, ये सब कट कर देंगे और इसको सीधा कट कर देते हैं। इसके अंदर से थोड़ा सा ये कपड़ा ज्यादा है, ये निकाल देंगे। और यहाँ पे अब कटिंग करनी है हमने, वो आपने ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे बिल्कुल भी।
सिलाई को बचाकर आपने इसे कट करना है। नीचे का कपड़े का भी आपने ध्यान रखना है, नीचे का कपड़ा भी। अब पूरे गले में मैंने यहाँ ऊपर भी कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे करते हैं फोल्ड अंदर की तरफ, और ये जो कॉर्नर है इसे आपने अच्छी तरह निकाल लेना है किसी भी शार्प चीज की हेल्प से, जैसे ये सिलाई की हेल्प से मैं निकाल रही हूँ कॉर्नर निकाल कर। ये लीजिए, एक कॉर्नर हमारा इस साइड का निकल गया है। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह निकाल कर इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे रफ एक। उसके बाद हम जब सूट रेडी हो जाएगा उसके बाद हम तुरपाई कर देंगे इसको। लीजिए, ये भी निकल गया है। अब ये जो हम सिलाई लगाते हैं ये हमने हमेशा मोटे बखिये से ही लगानी होती है, इसको हमने बाद में खोल देना है। और यहां भी एक कॉर्नर हल्का सा निकलेगा, और इसे अब हम अंदर की तरफ अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे और ये सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसे मैंने फोल्ड कर लिया है, अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग मैंने बनाई हुई है, ये जब हम गले पे पाइपिंग लगाते हैं वो हमने हमेशा ओरे पट्टी की ही बनानी है, सीधी पट्टी की नहीं बनानी है। बाकी सूट में सीधी लगेगी लेकिन गले के ऊपर ओरे पट्टी की लगेगी। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर रख कर सिलना शुरू करेंगे। पाइपिंग को थोड़ा सा बाहर जरूर निकाल देना है आपने। इसी तरह हम पूरे गले में पाइपिंग घुमाकर लगा देते हैं। अब देखिए नीचे हम कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर आ गया है, अब नीचे वाला एंड आया है पट्टी का, तो अब हम यहाँ पे ले जो ये पाइपिंग है इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले लेंगे। पीछे की तरफ लेने के बाद हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और सिल देंगे। इससे कॉर्नर ये जो है एंड है वो अच्छी तरह फिनिश हो जाता है। ये दिखा देती हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे पाइपिंग लग चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पे गोलाई आई है, तो गोलाई में थोड़े थोड़े आपने कट्स लगा लेने हैं क्योंकि ये खिंचती नहीं है, घूमती नहीं है अगर हम कट ना लगाएं। अब ऊपर की तरफ इस तरह गोलाई में घुमाकर आपको दिखाते हैं सारा। अब पाइपिंग सारे गले में लग चुकी है, अब जहां पे गोलाई है वहां पे हमें ये पाइपिंग की कटिंग देनी है इस तरह। ये गोलाई है इसको भी हमने कटिंग दे देना है, वैसे मैंने पहले थोड़ा सा दे दिया था। अब यहाँ पे जो जो है गोलाई वाला हिस्सा सभी जगह हम कट्स लगा लेते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। और होगा तो आप पीछे तुरपाई कर दें, नहीं तो इसके ऊपर सिलाई लगा दें। और ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, ये हम नीचे लगाएंगे जहाँ पे कट है, तो इसको बाद में दिखाती हूँ। पहले यहाँ से हम गले को ये जो कपड़ा है पीछे वाला इसको फोल्ड करके सिलाई लगाना शुरू करते हैं। कपड़ा बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आना है। लीजिए, अब यहाँ पे कपड़ा अटैच होगा हमारा ये वाला। अब इस कपड़े की लंबाई मैंने थोड़ी सी ज्यादा ली हुई है, आपने उसके कट के हिसाब से ले लेनी है। लंबाई नापकर 8 इंच का था, तो अब 10-11 इंच तक कपड़ा ये ले लो। अब हम इसे रखेंगे यहाँ नीचे और थोड़ा सा डबल सिलाई से कवर करेंगे, उसके बाद सिंगल सिलाई ही लगा देंगे सीधे में।
अब ये देखिए गला हमारा तैयार हो गया है बन के, ऊपर से फिनिशिंग दे देते हैं इस तरह है। ये पाइपिंग इसमें लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे एक्स्ट्रा। ये मैंने बटन बनाए हुए हैं, एक बटन तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ये जो है इसका एंड यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी के बटन हैं जो वो हम बीच बीच में लगा देंगे। ये लीजिए, और हम यहाँ पे अटैच कर आपको दिखाते हैं। अब देखिए बटन मैंने लगा दिए हैं गले में और ये बहुत ही सुंदर गला बनकर तैयार हो गया है। ये प्लेन कपड़े के ऊपर मैचिंग कंसेप्ट पे बनाया जाए तो बहुत ही प्रिटी लगता है और ये बहुत फिनिशिंग से बन गया है। अगर आपको ये कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।